आने वाले कुछ महीनों में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को निराश किया और इन दोनों राज्यों के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली और फिर बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे और ये दोनों ही राज्य लोकसभा में बीजेपी पर भरोसा जताते हुए नजर आए हैं, पर विधानसभा में कड़ी चुनौती से इनकार नहीं किया जा सकता। एनडीए 1, एनडीए 2 एंड एनडीए 3 ये एक निरंतरता। तीसरी बार एनडीए की सरकार भले ही बनने जा रही है, लेकिन बहुमत से पीछे रह जाने का सवाल बीजेपी के सामने है। महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर दिल्ली बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। समय कम बचा है और लोकसभा चुनाव का नतीजा अनुकूल परिणाम देकर गया है। हमें खुशी है कि ये गलत रास्ते पर एक राजनीति जो जिम्मेदार राजनीति उस रास्ते से जा रही थी, उनको जो कोई सबक सिखाने की आवश्यकता थी वो सबक आम जनता ने सीखा है। हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे का असर आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, ये आपको एक एक करके बताते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए ने कुल 48 में से 45 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। बीजेपी को मिली सिर्फ 9 सीटें, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 23 सीटें मिली थी। शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट ने 7 सीटें जीती। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को भी 1 सीट मिली। दूसरी तरफ शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 29 सीटें जीती, जिसमें 2019 में मात्र 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को इस बार 13 सीटें मिली। अप्रत्याशित गठबंधन और आपसी खींचतान के चलते महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा। इसी साल अक्टूबर या उससे भी पहले महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं। एनडीए पस्त दिख रहा है और विपक्ष मस्त। महाराष्ट्र के साथ ही इसी साल अक्टूबर या उससे पहले हरियाणा के चुनाव भी प्रस्तावित हैं। हरियाणा में भी बीजेपी को जोरदार झटका लगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटें मिली। कांग्रेस के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थी। कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। जो जनादेश आया है उसमें संख्या बल भाजपा को भले ही मिला हो, लेकिन नैतिक बल देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उनका असर फरवरी 2025 में प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी 2014, 19 और 24 में जीतती आई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहा है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने कुल 70 में से 67 सीटें जीती थी, 2020 में 62 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन ये काम नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अलायंस पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात ये हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में उसे दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर अच्छी बढ़त मिली है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल्ली की जनता पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में ये जता चुकी है कि उसका मत लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग रहता है। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ।
2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लोकसभा में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आरजेडी से तगड़ी टक्कर भी मिली। लोकसभा में आरजेडी कोई बड़ा कमाल भले ही दिखा न पाई हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था। बीजेपी के लिए अच्छी बात ये हो सकती है कि दिल्ली और बिहार दोनों जगह उसका गठबंधन जेडीयू के साथ है। चिराग पासवान भी लोकसभा की 5 में से 5 सीटें जीतकर मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, लेकिन तय है कि बिहार में एनडीए का सामना मजबूत महागठबंधन से ही होगा।